कि शुरू होने वाला है एनटीपीसी सीबीटी 2 12 जून से। तो इसकी 11 दिन की स्ट्रेटेजी के साथ विवेक सर ला रहे हैं अंतिम प्रहार। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो जरूर जुड़िए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल से। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सुनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी पढ़ रहे होंगे। तो चलिए भाई हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। डेली की तरह आज भी हम लोग कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई एक बार क्लास से जुड़ जाइएगा और सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई यह जो कि आपके एग्जाम है ना, तो इन सभी में स्टैटिक जीके जो है आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछी जाती है। तो स्टैटिक जीके का रोल आपकी तैयारी में बहुत 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 जरूरी होता है और यह भी बाकी के सब्जेक्ट की तरह, जैसे कि आपने मैथ की प्रैक्टिस है भाई, आपको फॉर्मूलाज याद करने होते हैं, कुछ आपको लॉजिकल क्वेश्चन याद करने होते हैं, उनके डायरेक्ट आंसर आपको याद करने होते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं। यहाँ के जो कि कॉन्सेप्ट वाइज है चीजें कम रहती है और फैक्ट वाइज चीजें सबसे ज्यादा रहती हैं। अब भाई जब बात डायरेक्ट टू डायरेक्ट होती है तो उसे समझना और उसे याद करना उतना ही मुश्किल होता है। तो बहुत जरूरी है कि आपको स्टैटिक जीके पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए और इसके लिए रेगुलर रूप से आप लोगों को क्लास में प्रेजेंट होना रहेगा। बाकी मैं सोच रही हूँ, जैसे कि मैंने स्टैटिक जीके में लास्ट टाइम कुछ नई नई चीजें कॉन्सेप्ट वाइज कुछ शुरू की थी, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग मंडे से कुछ अपनी एडिशनल चीजें और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर में थोड़े से बोर हो गए हैं, तो समथिंग कुछ डिफरेंट चीजें हम लोग शुरू करेंगे और थोड़ा सा मंडे से चीजों को कुछ ऐड करते हुए, ठीक है। चले तो अब हम लोग शुरू करते हैं। साथ ही बच्चों मशाल बैच के बारे में याद रखिएगा, यह कॉम्बो बैच आप लोग अभी भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी कॉम्बो एग्जाम की तैयारी आप लोगों की एक कंबाइन बैच मशाल में कराई जा रही है, जो कि अभी भी आप लोग का 1499 में यह बैच दिया जा रहा है। साथ ही में यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी
बताऊंगी कि भाई पैट की तैयारी के लिए, क्योंकि अभी से लेकर के चलोगे तब जाकर के एग्जाम टाइम तक बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि यह एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि भाई मशाल बैच में यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो कि तैयारी कराई जा रही है उसकी अलग से आप लोग को क्लासेस मिल जाएंगी सिर्फ पैट के लिए, ठीक है, जिसमें कि आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट जो भी अपने प्रैक्टिस सेशन है सभी सब्जेक्ट जो भी इसके अंदर है वह सभी आप लोगों को कराए जाएंगे विद पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स के साथ में। तो इसके लिए आप लोगों को जॉब 50 कोड का ही यूज करना होगा और आप लोग इसको भी 999 में यहां पर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी भी भाई आप लोग अपनी और बेहतर कर सकते हैं थ्योरी वाइज कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस शुरू करते हैं, आप लोग आंसर करना जरा यहाँ पर शुरू कीजिएगा। और आज जो अपनी 11 बजे वाली क्लास है ना, वह अपनी मैराथन में क्लास रहेगी, मैराथन में क्लास भी अपनी रहेगी। तो आप लोग 11 बजे ना जो आज एमटीएस की मैराथन चल रही है उसमें मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कभी आप लोग इधर उधर भटको तो भटकना मत, 11 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आंसर करना शुरू कीजिएगा, क्या आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी क्या है, चलिए जल्दी से बताएंगे भाई, आज हम लोग अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, बैरूत, बहुत सही भाई, ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैरूत, क्या हो जाएगा, बैरूत। बैरूत की बात करते हैं तो यह लेबनान देश की राजधानी है। मस्कट की बात करते हैं तो यह ओमान देश की राजधानी है। त्रिपोली की बात करते हैं तो यह है लेबनान का ही एक शहर है, लेबनान का शहर जहाँ पे कि लेबनान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है। और यदि हम तेहरान की बात करते हैं तो यह किसकी राजधानी है, यह राजधानी है ईरान की, क्या हो जाएगा, ईरान की यह राजधानी है। पैट का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है, पैट का एग्जाम होगा, ठीक है। विकास बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध की बात कर लेते हैं, जिन्हें की यदि इनकी हम बात करते हैं तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है, यह बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, मतलब कि घर छोड़ दिया था, और 49 डेज तक जब इन्होंने बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि इन्होंने वो होता है ना तप करना, 49 डेज तक इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था और इन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी। इसके बाद इन्होंने अपने सबसे पहला जो कि उपदेश दिया था वह कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था, याद रखना, सारनाथ में इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे कि जिस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित निम्न को मिलाइए। एक तरफ आप लोगों को यहाँ पे राष्ट्रपति जी के बारे में दिया गया है और उनके सामने आपको उनके कार्यकाल के बारे में दिया गया है जिसमें कि आप लोगों को मैचिंग करनी है। सो भाई बताएंगे जरा यहाँ पे मैचिंग करके कि क्या हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही मिले हैं। हाँ पुष्पेंद्र, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि वो जो कि क्लास है ना उसमें मैंने कुछ बीच वाले जो कि क्वेश्चंस थे वह स्किप कर दिए थे और जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे वह मैंने नेक्स्ट डे कराए थे और वो पीडीएफ डिलीट हो गई, इसलिए बाकी आप चिंता ना करें, हम लोग करते रहेंगे। चलिए आंसर कीजिएगा, देश दे दे, चले। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो यह है हमारे सेकंड उपराष्ट्रपति रहे हैं, है ना, राष्ट्रपति रहे हैं और थर्ड नंबर के यह हमारे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और इनकी बात कर लेते हैं तो यह किस ईयर में यह हमारे राष्ट्रपति यहाँ पर चुने गए थे, 1967 से 1969 के बीच। साथ ही हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आर वेंकटरमन की बात करते हैं तो यह है 1987 से 1992 तक रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं जो कि हमारे देश के 11वें यह राष्ट्रपति यहां पर रहे थे, है ना। 12वें राष्ट्रपति कौन थे हमारे, प्रतिभा पाटिल, है ना। और 13वें राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी रहे हैं,
प्रणब मुखर्जी रहे हैं और वर्तमान समय में है हमारे 14th मतलब कि 14वें राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैचिंग, ए का थर्ड रहेगा, ए का थर्ड ये रहा और बी का सेकंड है ना, बी का सेकंड है एंड थर्ड का सेकंड है, सी का सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे, बताएंगे जी। बिल्कुल ओनली स्टडी जी, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें बता दिया क्या कीजिए जी, वही 149 ही। अच्छी वो पीडीएफ मेरे से ना डिलीट हो गई, बाकी मैं देखती हूँ उस पीडीएफ के बारे में, उसके आंसर में अलग से टिक कराने की कोशिश करती हूँ। वो जो मैंने बोर्ड की पीडीएफ बनाई थी ना हैंड रिटन नोट्स की, तो वो ना डिलीट हो गई, तो वो मैं कहीं अपलोड ही नहीं करा पाई थी, ये बात है। बाकी चलिए मैं उसमें आंसर ऐड करा करके अपलोड कराती हूँ। चलिए कल संडे का टाइम दीजिए, संडे में आराम से बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, 10 बजे की क्लास में थोड़ा सा और चीजें ऐड करनी है, एप्लीकेशन के लिए भी, क्लासेस के लिए कुछ बच्चों के लिए प्लान करना है और 11 बजे वाली क्लास के लिए भी, सो थोड़ी सी मोहलत। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे, बताएंगे किस सूफी संत के यह शिष्य थे, से मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर हमीदीन नागौरी से कुतुबुद्दीन बख्तियार, क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या अपना आंसर भाई यहाँ पे हमारा रहेगा, जल्दी से बताएंगे क्या अपना आंसर रहेगा, शेख निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल सही। यदि हम इनकी बात करते हैं तो यह है शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य यहाँ पर रहे हैं। साथ ही अमीर खुसरो की बात करते हैं तो इनका जन्म यूपी के पटियाली में हुआ है, पटियाली में इनका जन्म हुआ है। इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है, मतलब कि भारत का तोता, भारत का तोता इन्हें कहा जाता है। यदि हम इनके बारे में बात करते हैं तो इन्हें सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, कि भाई इन्होंने सितार का आविष्कार किया है, जो कि सितार आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, वाद्य यंत्र है उसका। साथ ही इन्हें कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है, कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है, कि भाई इन्होंने ही कव्वालियों की शुरुआत की थी। ठीक है, सो क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 1-0 से हराकर हॉकी एशिया कप 2022 में डैश जीता है, कौन सा इन्होंने मतलब कौन सा पदक जीता है, इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी भी शूट की थी, अगर आप लोगों ने देखा हो। हाल ही में कुछ भी नई करंट की न्यूज आती है ना, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ ताकि आप अपडेट रहें। उससे क्या होता है कि कुछ सेकंड की रहती है, 20-30 या मुश्किल से मैक्सिमम 40 सेकंड की कोई ही स्टोरी, शायद ही मेरी 1 मिनट से ऊपर गई हो, बाकी उस स्टोरी के अंदर ना मैं आप लोगों को कुछ उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसके ऊपर भी मैंने स्टोरी बनाई थी, हाँ रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, सही पहचाना आपने बिल्कुल, कितने होशियार हो आप। चले कौन सा पदक भारत ने जीता है, इसमें भारत ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है, हमने कौन सा पदक जीता है, जापान को हरा करके हमने थर्ड रैंक हासिल की है। इसके साथ ही याद रखना कि यदि हम मेंस हॉकी यदि हम हॉकी एशियन कप की बात करते हैं मेंस में, यहाँ पे पुरुषों की बात की जा रही है, यदि हम हॉकी मेंस एशिया कप की बात करते हैं तो भारत ने इसे 3 बार जीता हुआ है, कितनी बार, 3 बार हमने इसे जीता हुआ है और 3 बार ही इसे पाकिस्तान ने भी जीता हुआ है। लास्ट टाइम हमने इसे कब जीता था, लास्ट टाइम इसे हमने 2017 में जीता था, तो भाई हमने तो थर्ड रैंक हासिल की है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर विनर की बात करूं तो किस देश ने इसे जीता है, बताओगे आप लोग किस देश ने इसे जीता है और इसमें उपविजेता कौन सा देश रहा है। अभी हाल ही में इसका आयोजन कंप्लीट हुआ था, 1 या 2 जून को अभी इसका फाइनल मैच हुआ था, तो बताइए जल्दी से। बहुत सही विकास, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, दक्षिण कोरिया ने इसे जीता है और दक्षिण कोरिया ने इस बार अपना 5th टाइटल जीता है, मतलब कि यह 4 बार पहले इसे जीत चुका है, इस बार यह 5वीं बार इसने जीता था। उपविजेता की बात करते हैं तो मलेशिया देश इसमें उपविजेता रहा है, ठीक है याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द नेक्स्ट भाई हम लोग, कि निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू किया है, आंसर कीजिएगा,
साउथ कोरिया शिवम, बहुत अच्छे, सुहानी, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या आंसर रहेगा? एक स्टेशन एक उत्पाद किसने शुरू किया है? दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। क्या हो जाएगा? साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा भाई यह शुरू किया गया है। और वर्तमान समय में हमारे रेलवे मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री कौन है? साथ ही हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बताएंगे, सही है आपका आंसर सेकंड। चलिए क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ओके चलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिरिसा बांदला। क्या हो जाएगा? सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला की बात करते हैं तो इनका जन्म गुंटूर, इनका जन्म कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इनका जन्म हुआ था। यह एक एस्ट्रोनॉट इंजीनियर है, ठीक है, जो कि नासा का, जो कि वह स्पेस में अपने मिशन को भेजेगा तो उसमें यह एज अ एस्ट्रोनॉट इंजीनियर के रूप में जाएंगी। मतलब वो होता है ना कि स्पेस क्राफ्ट में भी अगर कोई खराबी हो गई तो उसको ठीक करने के लिए जरूरत होती है, तो उस रूप में यह जाएंगी सिरिसा बांदला। और इनकी बात करते हैं तो इनसे पहले कल्पना चावला के बारे में भी आप सभी जानते ही हैं, कल्पना चावला के बारे में कि यह, इनका जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था और यह भारत की सबसे पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। इसके साथ ही आप लोगों ने सुनीता विलियम्स के बारे में भी सुना होगा, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स की बात करते हैं तो इनके मदर फादर में से एक जो कि है वह इंडियन है, तो यह है अमेरिकी भारतीय मूल की नहीं है, बट चूंकि इनके मदर एंड फादर में से एक इंडियन रहे हैं तो इसलिए इन्हें भारतीय मूल की माना जाता है। बट जो भारत, मतलब भारत में जन्मी है उसमें सिरिसा बांदला सेकंड नंबर की महिला है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों से रेलवे मंत्री के बारे में पूछा था, कौन है वर्तमान समय में, कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और यदि हम रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है? वीके त्रिपाठी। कौन है भाई? वीके त्रिपाठी है। सो कौन है यहाँ पर? वीके त्रिपाठी है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वीके त्रिपाठी जो कि है वह यहाँ पर है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई बताएंगे निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही तरह से मेल नहीं खाता है, यह आप लोगों को बताना है। सुना था चले आंसर कीजिएगा, क्या अपना यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा, जल्दी से बताएंगे क्या अपना आंसर भाई यहाँ पे हमारा रहेगा, आंसर कीजिए क्वेश्चन का। अनिक, एक तरफ आप लोगों को कुछ यहाँ पर डांस फॉर्म के बारे में दिया गया है और यहाँ पर आपको दिया गया है राज्यों के बारे में, और इनमें से कोई एक है जो कि सही तरह से मेल नहीं खाता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है। डी ऑप्शन, बिल्कुल। असम की बात करते हैं तो यहाँ पर खेल गोपाल असम राज्य का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही। असम राज्य की बात करते हैं तो बिहू यहाँ का सबसे फेमस लोक नृत्य है, और यहाँ पर सत्रीय जो कि यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है असम राज्य का, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। देन नेक्स्ट गुजरात पर आ जाते हैं, भवाई जो कि है यहाँ का फेमस लोक नृत्य है, यह भी सही है। कर्नाटक की बात करते हैं तो करगा हुआ है ना, और यक्षगान हुआ, यह मुख्य लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य के। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं जिसमें दिया गया है फुगदी। फुगदी की बात करते हैं यह कहाँ पर होता है, यह होता है गोवा राज्य में। गोवा राज्य में फुगदी होता है, देखनी होता है ना, यह क्या है, कुछ फेमस लोक नृत्य है गोवा राज्य के। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर राउत नाच होता है, इसके साथ ही यहाँ पे पंडवानी होता है ना आदि, यह सभी क्या है, यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं। तो इन्होंने यहाँ पर डी ऑप्शन गलत दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि फुगदी जो की है वह कहाँ पर होता है, गोवा राज्य में होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई,
यहाँ पे निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह है आप लोगों को बताना है। एक तरफ आप लोगों को कुछ यहाँ पर सूचकांक के बारे में दिया हुआ है, मतलब कि इंडेक्स जो की है ना, जिनमें की भी आप लोगों को यहाँ पर भारत की रैंक दी गई है। तो आपको इसमें जरा बताना है कि निम्न में से कौन सा सही तरह से यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, बताएंगे कौन सा भाई यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, यह आप लोगों को बताना है कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। चलिए, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, भारत के इसके अंदर 54th रैंक है, बिल्कुल सही है। यदि हम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की बात करते हैं, जिसमें कि जापान इसमें प्रथम नंबर पर है, जापान है इसमें प्रथम नंबर पर और भारत की रैंक कितनी है 54। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग, मतलब कि डिजिटल खरीदारी में वैश्विक निवेश के आधार पर बात करते हैं, तो भारत की इसके अंदर रैंक कितनी है, सेकंड है। इसमें फर्स्ट नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, हमारे भारत में जो कि ऑनलाइन शॉपिंग है यह सबसे ज्यादा की जाती है। देन नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स में यदि हम बात करते हैं तो भारत की रैंक कितनी है 46, यह भी सही है। और यदि हम करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंक कितनी है 85, कितनी है 85th भारत की रैंक है, ना कि 26 है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका गलत था, ठीक है, ए नहीं बल्कि कौन सा यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था, ठीक है, जहाँ पे कि बहुत ही कम जहाँ पे कि करप्शन देखने के लिए मिलता है, वह कौन से देश है, न्यूजीलैंड है, वह है ना फिनलैंड देश है और डेनमार्क देश है जो कि प्रथम नंबर पर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द नेक्स्ट है भी हमारा कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। एक तरफ यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं, है ना, जो कि पॉलिसीज हैं, और उनके सामने आपको ईयर के नाम दिए गए हैं कि भाई उन्हें किस वर्ष में यहाँ पर शुरू किया गया था, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉलिसी जो कि लाई गई थी वह 1952 में और सेकंड 1988, मतलब कि 1988 में, तो ये वाला सही है। द नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में, ठीक है। द नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की बात कर लेते हैं, यह आपका आया था 1975 में, ना कि 1978 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं, यह कब आया था, 1992 में आया था, ठीक है। इसके साथ ही यदि आपसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात की जाए तो यह भी कब आया था, 1975 के समय में ही यह आया था, जो कि इनके संरक्षण के लिए जो कि कार्य है वह 2008 से 2009 में शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द नेक्स्ट है हमारा कि मई 2022 भारत का कौन सा राज्य चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताएंगे। अभी हाल ही में चीनी उत्पादन के ऊपर भारत में इंडेक्स यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें कि कौन सा राज्य इसमें प्रथम स्थान पर आ गया है, बताएंगे कौन सा राज्य भी इसमें प्रथम स्थान पर आ गया है, यह आपको बताना है, आंसर कीजिएगा, क्या आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए, कौन सा राज्य, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। पिछले कुछ 3-4 सालों से जो कि यह इंडेक्स जारी की जा रही थी उसमें उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र राज्य ने उत्तर प्रदेश को उत्पादन के मामले में पछाड़ दिया है, जो कि 2021 की यह है, 2021 की आंकड़ों पर यह रैंक जारी की गई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। सो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यह सेकेंड नंबर पर आ गया है, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य अपना आंसर रहेगा। क्वेश्चन है भाई कि विश्व में प्रथम दुग्ध दिवस कब मनाया गया था, और ये बताएंगे कि हर वर्ष यह कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व में दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, प्रथम देश, मतलब कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है,
जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पर कर रहा है। और यदि भारत के राज्यों में बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा राज्य है बताएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा क्या भाई, यहाँ पे अपना आंसर हमारा रहेगा यह आप लोगों को बताना है। 2001 बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा 1 जून 2001 एक में यह शुरू हुआ था। साथ ही इसकी बात करते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कि मनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यदि हम उत्पादन के मामले में बात करें तो कौन सा राज्यों की बात करेंगे तो कौन सा राज्य है यूपी, और यदि यहां पर बात करते हैं तो कौन सा है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर यहां पर पाकिस्तान है उत्पादन के मामले में। ठीक है, और कब मनाया जाता है 1 जून को भी यह मनाया जाता है। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आंसर कीजिएगा। चलिए बहुत सही, चलिए आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या अपना भाई यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन में। जी बिल्कुल हाँ, यदि भारत की बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये भी बताओ हमने अभी अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में देखा था, यदि हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है, मतलब कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, एक बार ये और बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है, एक तरफ आप लोगों को राज्यों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने आपको राज्यपाल के नाम दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक ही यहाँ पर आपको सही, कोई एक यहाँ पर सही नहीं है और उसकी पहचान आप लोगों को करनी है। बी ऑप्शन ओके। चलिए क्या अपना आंसर भाई यहाँ पे रहेगा बताएंगे। मिजोरम। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करते हैं, यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए द नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम की बात कर लेते हैं जहाँ पे की सत्यपाल मलिक दिया हुआ है, सत्यपाल मलिक की बात करते हैं तो भाई यह है मेघालय के, किसके हैं, मेघालय के यह है गवर्नर है। और मिजोरम राज्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंभमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर है, ना कि यहाँ पर सत्यपाल मलिक है। देन त्रिपुरा राज्य सत्यदेव नारायण, ठीक है, और मणिपुर राज्य की ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है। क्लियर है यहाँ पे कौन सा सही नहीं था, बी ऑप्शन यहाँ पे आपको सही नहीं दिया हुआ था। बौद्ध स्थल ताबो मठ किस राज्य में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ जो कि कौन सा है भी, ताबो मठ है, यह कहां पर स्थित है यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा। हमारे भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ फेमस मठ है, जैसे कि तवांग मठ, यह भारत का सबसे बड़ा मठ है और वर्ल्ड में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मठ है। यह कहां पर है, यह है अरुणाचल प्रदेश में यह है। ठीक है, इसके बाद आपसे हेमिस मठ के बारे में भी पूछ लिया जाता है, हेमिस मठ यह कहां पर है, यह है लद्दाख में। ठीक है, और यहां पर हम लोग ताबो मोनेस्ट्री की बात करते हैं तो यह कहां पर है, यह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो कि लोसार या जिसे कि लोसांग, कुछ जगह पर इसे लोसांग भी कहा जाता है ना, यह महोत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है जो कि बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा बहुत ही, मतलब कि एक उच्च लेवल पर यह मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ आप लोगों को यहाँ पर मंदिरों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं और इनमें आपसे पूछा गया है कि भाई कोई एक है जो कि यहाँ पर सही नहीं है और उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। यदि हम विद्या शंकर मंदिर की बात करते हैं तो क्या यह कर्नाटक में है, बिल्कुल सही, यह कहाँ पर है, कर्नाटक में है। साथ ही कर्नाटक में ग्रुप ऑफ हम्पी, मतलब कि हम्पी मंदिरों का जो कि समूह है, इसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है राजरानी मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सही, उड़ीसा राज्य में कोणार्क मंदिर भी है, कोणार्क मंदिर भी यहाँ पर है ना, यहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर भी यहीं पर है मंदिर, और साथ ही यहाँ पर लिंगराज मंदिर भी है।
जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, लिंगराज मंदिर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट है हमारा, यह भी सही है, कंद्रिया महादेव मंदिर। कंद्रिया महादेव मंदिर यह कहां पर है? यह है मध्य प्रदेश में, जो कि ग्रुप ऑफ खजुराहो का हिस्सा है। ठीक है, ग्रुप ऑफ खजुराहो टेंपल जो कि है, खजुराहो मंदिरों का समूह का यह एक हिस्सा है। भगवान शिव जी को यह समर्पित है और कहां पर है? यह महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि कहां पर है? यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो कैलाश मंदिर है ना, यह एलोरा का हिस्सा है और यह है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखेगा। चलिए द नेक्स्ट है हमारा, भीम शेवर मंदिर, यह कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई हम लोग यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ट्रॉफियां युग्म सही सम्मिलित है? यहाँ पे आप लोगों को चार स्पोर्ट के बारे में दिया गया है और इनमें से कोई एक ही है जो कि भाई यहाँ पर सही है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर इनमें से सही दिया गया है। चलिए, कौन सा भाई यहाँ पे इनमें से आप लोगों को सही दिया गया है, यह आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा, बताएंगे कौन सा यहाँ पे आपको सही दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पे देखना। सबसे पहले लैक्रोस गेम की बात की गई है कि डूरंड कप इससे संबंधित है। सो डूरंड कप इससे संबंधित नहीं है, बल्कि यह फुटबॉल से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई है और यह वर्तमान समय में भी खेला जाने वाला एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी खेला जाता है। देन नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल के अंदर बास्केट कप दिया जाता है, जिसे कि हिंदी में टोकरी कप भी कहा जाता है, तो ये सही है। देन नेक्स्ट है रंगा स्वामी कप, जिसके बारे में दिया गया है कि यह क्रिकेट से संबंधित है। इसके बारे में आप बताएंगे कि यह किससे संबंधित है। देन नेक्स्ट वॉकर कप की बात की जाए तो यह है गोल्फ में दिया जाता है, ना कि यह किसमें, पोलो में दिया जाता है। आप लोग मुझे रंगा स्वामी कप के बारे में बताइए कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। आंसर कीजिएगा जरा, एजरा कप, बिल्कुल सही बात है। यदि हम रंगा स्वामी कप की बात करते हैं तो यह भाई किससे यहाँ पर संबंधित है, यह आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा किससे यह हॉकी, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? हॉकी। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? हॉकी। क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट, कि किस देश की तीन राजधानियां अर्थात प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? आंसर कीजिएगा, क्या अपना यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। कौन सा वह देश है जिसकी भाई कितनी है, तीन यहाँ पर राजधानियां हैं? आंसर कीजिएगा, जिसकी यहाँ पर तीन राजधानियां हैं, बताएंगे क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो यहाँ की जो कि प्रिटोरिया, जो कि यहाँ की प्रिटोरिया राजधानी है इसकी, वह इसकी एग्जीक्यूटिव राजधानी है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर कैपटाउन की बात कर लेते हैं, कैपटाउन की बात कर लेते हैं तो वह इसकी लेजिस्लेटिव राजधानी है। कौन सी है? लेजिस्लेटिव, जिसे कि हिंदी में विधायी कहा जाता है, इसकी विधायी राजधानी है। इसकी बात करते हैं तो यह इसकी प्रशासनिक राजधानी है। कौन सी? प्रिटोरिया। इसके बाद ब्लूम फाउंटेन की बात कर लेते हैं तो वह इसकी न्यायिक राजधानी है। ठीक है, तो इसकी तीन राजधानियां हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन किया गया है, क्लियर। चलिए, साथ ही यहाँ की यदि हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो इसकी करेंसी और आप लोगों को मुझे बतानी है कि भाई इसकी करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी जो चलती है वह यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है। ठीक है, साथ ही यहाँ के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और दक्षिण अफ्रीका का जो कि सबसे बड़ा शहर है वह है जोहान्सबर्ग, वहीं जहाँ पे कि जिस स्टेशन पे गांधी जी को फेंका गया था ट्रेन से। सो जोहान्सबर्ग सबसे बड़ा शहर है साउथ अफ्रीका का। चले, और सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन रहे हैं साउथ अफ्रीका के? नेल्सन मंडेला। बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, रैंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रैंड, जो कि है क्या है, इसकी करेंसी है। बाकी देशों की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि चिली की बात करते हैं तो सेंटियागो यहाँ की राजधानी है,
है ना, सेंटियागो यहाँ की राजधानी है, पैसो यहाँ पर करेंसी चलती है, पैसो करेंसी चलती है। मलेशिया की बात कर लेते हैं, क्वाला लुमपुर यहाँ की राजधानी है, करेंसी क्या चलती है यहाँ पर, रिंगित, रिंगित जो की है, रिंगित जो की है क्या चलती है, करेंसी। कनाडा की बात कर लेते हैं, तो भाई ओटावा इसकी राजधानी है, यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है, क्या हो जाएगा, डॉलर, डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, बताएंगे, साथ ही आप लोग बताएंगे कि सबसे पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी है भारत की, सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया कौन सी है भारत की, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। साथ ही वर्तमान समय में कितनी है, वर्तमान समय में कितनी है, यह भी आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। चलिए सबसे पहली रामसार साइट, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं ग्रुप ऑफ हम्पी की। सो 1986 में इसे किस वर्ष में यहाँ पर घोषित किया गया था, तो भाई 1986 में जो कि हम्पी के मंदिर है, ग्रुप ऑफ हम्पी है, है ना, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, और इनकी बात की जाए तो यह कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में बने हुए हैं, जो कि 50 रुपए के नोट पर ग्रुप ऑफ हम्पी के रथ मंदिर की फोटो भी बनी हुई है। चले वर्तमान समय में भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल है, 40 है, ये जो 49 कर रहे हैं ना, 49 ये रामसर साइट है, 49 क्या है, रामसर साइट। नेशनल पार्क की संख्या की बात करेंगे 106 नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो कितने हैं, 53, जिसमें कि गुरु घासीदास लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में, तो कितने हैं, 53 यहां पर टाइगर रिजर्व एरियाज हैं, ठीक है, तो इनके बारे में जरा याद रखा करो। चलिए जल्दी से बताएंगे, सबसे पहली, कुछ बच्चे केवला देव और चिलिका बता रहे हैं, सबसे पहले राम सोसाइटी पूछा है, विश्व धरोहर स्थल पूछा है, कैसे करोगे आप लोग ये बताओ, कैसे करके मानोगे, 1986 में से शामिल किया गया था। सबसे पहले रही है अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं है ना, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं है ना, एलोरा की गुफाएं, इसके साथ ही आगरा का किला, आगरा का किला, और आगरा के किले के साथ में ताजमहल, ताजमहल, ये चारों भारत की सबसे पहली विश्व धरोहर स्थल रही हैं, जिन्हें की 1983 में भारत की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो केवला देव, केवला देव पक्षी अभयारण्य, ठीक है, और चिलिका झील, यह भारत की सबसे पहली रामसर साइट रही है आद्र भूमि में, और इनमें थोड़ा सा तो डिफरेंस रखो, भगवान के वास्ते थोड़ा सा तो डिफरेंस रखो, डरो अपने टीचर से, थोड़ा सा तो डरो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द नेक्स्ट, करिश्मा बहुत अच्छे, सुशांत ओके, प्राची हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ जगह के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे उनकी विशेषता आपको बताई गई है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत टफ, मैं इसको टफ नहीं कहूंगी क्योंकि अक्सर ये हम लोग क्वेश्चन में करते रहते हैं। देखो भाई, जो बच्चे आज क्लास में जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि भाई देखो, डेली अपनी 10 बजे क्लास होती है, ठीक है, और ये क्लास ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए हो रही है, तो क्वेश्चन बस रेलवे में ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन, भले ही ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट 4 पॉइंट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के अंदर क्लियर होंगे, और 1 पॉइंट से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो रेलवे वाले ही देंगे, कोई और उस क्वेश्चन को नहीं दे सकता, स्टैटिक जी के आपके सभी एग्जाम के लिए लगभग कॉमन ही रहती है, तो ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी आपके। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हमारा आंसर रहेगा, सबसे पहले अरब की रानी किसे कहा जाता है, कोची को कहा जाता है ना, तो फोर्थ का यहाँ पे हमें ए मिल गया, 1, 2, 3, 4 चलिए मैच करते हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। चेन्नई की बात कर लेते हैं, चेन्नई, चेन्नई की बात करते हैं तो यह पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, लैंड लॉक्ड हार्बर जो कि यहाँ पे आपको नाम दिया गया है। यदि हम विशाखापत्तनम की बात कर लेते हैं तो इसे लैंड लॉक्ड हार्बर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई,
तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। साथ ही पूर्वी तट पर सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर हमारा चेन्नई, ठीक है चेन्नई, तो डी और बस इसका आपका ऑप्शन बचता है जो कि हमारा क्या हो जाएगा सी, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट का बी ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, और सेकंड का सी है, तो ये अपना आंसर रहेगा। क्लियर है चीजें। बाकी भारत में बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमारे भारत में यदि हम टोटल पोर्ट की बात करते हैं, टोटल पोर्ट की भाई कुल बंदरगाह कितने हैं, तो वह है 200 बंदरगाह, जिसमें से 13 तो हैं हमारे मेजर पोर्ट और बाकी के आ जाते हैं हमारे नॉन मेजर पोर्ट, है ना। चलिए सो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई रिवॉल्वर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था यह आपको बताना है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। गुलशन मुझे समझ नहीं आया, ऐसा नहीं है मैं इंस्टा मैक्सिमम टाइम चलाती हूँ, चलिए चलिए सो आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर। रिवॉल्वर की बात कर लेते हैं तो किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, सैमुअल कॉल्ट के द्वारा, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे सैमुअल कॉल्ट, सैमुअल कॉल्ट के द्वारा इसका आविष्कार यहाँ पर किया गया है। द नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं, बताएंगे अमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, अमनेस्टी पुस्तक के जो कि लेखक हैं वह है कौन है, आंसर कीजिएगा। चार लेखकों के नाम आपको दिए गए हैं और सभी बहुत ही बेहतरीन लेखकों के नाम आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि अमनेस्टी भाई किसकी यह बुक है, किसकी यह बुक है। बाकी जिन्होंने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और कल संडे है, कल हम लोग स्पेशल क्लास नहीं कर रहे हैं। बाकी भाई मंडे को जो मैं आप लोगों को आज बुक के ऊपर सेशन कराने वाली थी ना, तो वह मैं आप लोगों को मंडे को कराऊंगी, ठीक है, जो कि लेटेस्ट बुक रहेंगी ना 2021 से 22 की अपनी लेटेस्ट बुक के ऊपर हम लोग सेशन करेंगे अपनी 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है, और यह क्लास अपनी 2021 से 22 वाली अभी तक की बुक पर रहेगी, जिसके अंदर मैं लगभग आप लोग को 100 बुक के बारे में तो हम लोग कर ही लेंगे। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरविंद अडिगा, यह किसकी बुक है, अरविंद अडिगा की बुक है, और अरविंद अडिगा को मैन बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है, मैन बुकर पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, जो कि इन्हें किस वर्ष में दिया गया था, 2008 में दिया गया था। इनकी कौन सी बुक थी जिसके लिए इनको दिया गया था, बताओगे आप लोग, इनकी वह कौन सी बुक थी जिसके लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यह भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति बन गए जिन्हें की मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आंसर कीजिए जल्दी से क्वेश्चन का। अरविंद अडिगा, अरे नोबेल नहीं है, मैन बुकर पुरस्कार है, जो कि लिटरेचर में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए आंसर कीजिएगा किस बुक के लिए, द व्हाइट टाइगर के लिए, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा द व्हाइट टाइगर के लिए इनको दिया गया था, यह इनकी बुक का नाम है, ठीक है। सो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है, आंसर कीजिएगा कौन सा मेघालय का नृत्य है यह आप लोगों को बताना है, कौन सा भाई यहां पर मेघालय का नृत्य है, आंसर कीजिएगा सफेद चीता। हाँ बस ऐसा नहीं कि सफेद चीता इन्होंने अपने घर में पाल रखा है, ठीक है, एक्चुअली क्या है यह बुक का नाम है जो कि इन्होंने लिखी है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा, चलिए सो बात कर लेते हैं मेघालय की बात करते हैं, तो लाहो यहाँ पर नृत्य होता है, और एक यहाँ पर नोंग क्रेम नृत्य भी यहाँ का क्या है बहुत ही फेमस नृत्य है। चिराग की बात कर लेते हैं, यह कहाँ पर होता है, मिजोरम राज्य में होता है, मिजोरम राज्य में। आपने देखा होगा कि एक बैम्बो डांस के लिए जाना जाता है, जिसमें कि कुछ 6 से 8 पुरुष जो हैं वह बैम्बो बांस को पकड़े हुए होते हैं, और वो होता है ना कि बांस को ऐसे ऐसे करके वो हिलाते रहते हैं, और उसमें वो जंप जंप करके नृत्य करते हैं, तो कुछ इस तरह का बैम्बो डांस होता है इस डांस फॉर्म के अंदर, चिराव के अंदर, ठीक है। दलखई की बात कर लेते हैं, यह कहाँ पर होता है, उड़ीसा राज्य में होता है। रंगमा की बात कर लेते हैं, तो यह नागालैंड में किया जाता है, कहाँ का है यह, नागालैंड का लोक नृत्य है, याद रखेंगे, क्लियर।
क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट के खेल से संबंधित है। यहाँ पे आप लोगों को चार शब्दों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर किस खेल से संबंधित है। जी बिल्कुल प्राची, इसको क्या बोलते हैं, बैम्बो डांस भी इसे बोलते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, क्या भाई अपना आंसर रहेगा, बताएंगे जल्दी से आंसर करके आप लोग, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए बताएंगे, फॉलो ऑन, बिल्कुल सही। फॉलो ऑन की बात करते हैं तो इसका यूज क्या, जो कि यूज है वह किसमें होता है, क्रिकेट में होता है, जो कि एक बल्लेबाज के बाद एक पारी समाप्त कर लेने के बाद दूसरे बल्लेबाज के लिए यहाँ पर यूज की जाती है। ठीक है, गैम्बिट की बात कर लेते हैं, इस वर्ड का यूज किसमें होता है, चेस में होता है, किसमें होता है, चेस में यहाँ पर होता है। और ब्लाइंड शॉट की बात करते हैं तो इस वर्ड का यूज किया जाता है गोल्फ में, है ना, जो कि ब्लाइंड शॉट, शॉट करने को ब्लाइंड शॉट यहाँ पर बोला जाता है। उसके बाद है हॉप नेल्सन की बात करते हैं तो इस शब्द का यूज किया जाता है कुश्ती में, मतलब कि रेसलिंग में। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर था। क्वेश्चन है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, बताइए। यदि हम मैनचेस्टर की बात कर लेते हैं तो भारत में अलग 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 क्षेत्र में शहरों की अलग अलग मैनचेस्टर की परिभाषाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे मतलब कि अलग अलग शहर को कहा जाता है, परिभाषा एक है लेकिन शहर को अलग अलग को कहा जाता है। यदि हम भारत के मैनचेस्टर की बात कर लेते हैं तो यह अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद। ठीक है, और यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लेते हैं, मतलब कि उत्तरी भारत की बात कर लेते हैं, तो यह कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, और यदि दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो कोयम्बटूर, जो कि यह तमिलनाडु राज्य का एक शहर है, इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। चलिए बात कर लेते हैं किस लिए कहा जाता है, इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, इसके कपास उद्योग के कारण, इसके जूता उद्योग के कारण, या फिर इसके रबर उद्योग के कारण कहा जाता है। मैनचेस्टर जो कि शहर है, जो कि कहां पर है, इंग्लैंड में है, यह एक्चुअली में अपने वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है, वस्त्र उद्योग। जैसे कि हम बात करते हैं तो अक्सर मैक्सिम जो कि लोग हैं, जिसमें कि महिलाएं, मैं भी अगर बात करूं अपनी, तो हमारा होता है कि चलिए लुधियाना चलते हैं, मतलब पंजाब के लुधियाना में चलते हैं, वहां पर जो कि सूट है वह बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। तो एक होता नहीं कि ऐसी जगह जिसे कि हम हब कहेंगे, है ना, कि भाई वहां पर लेडीज सूट्स और साड़ीज का एक हब है प्रॉपर। तो इसी तरह का जो कि ऐसा क्षेत्र जो कि वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, उसे क्या कह दिया जाता है, मैनचेस्टर का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड का शहर जो कि मैनचेस्टर है वह वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा, बिकॉज ऑफ इट्स कॉटन इंडस्ट्री के लिए इसे जाना जाता है, और यह दक्षिण भारत में अपने गन्ने उत्पादन के लिए भी काफी फेमस है, कोयम्बटूर। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई हमारे, कि उस्ताद अल्लादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, बताएंगे किस घराने से यह ताल्लुक रखते हैं। बहुत सही करिश्मा, चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए और क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, जिन्होंने की क्लास को लाइक यहाँ पर नहीं किया हो। ठीक है, चलिए ऋषभ बहुत सही, पवन ओके, सुमित कपास, हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा, उस्ताद अल्लादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है, किससे है, यह जयपुर घराने से संबंधित है। ठीक है, जो कि भारत में शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। द नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से किसने 1992 में भारत रत्न जीता। अभी तक हमारे भारत में एकमात्र एक उद्योगपति हैं जिन्हें की भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और कब किया गया था, 1992 में सम्मानित किया गया था, वह कौन है, जीआरडी टाटा। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसे बाय लिखा हुआ है, तो यह टाटा नाम है, इन्होंने इस टाटा को बाय बाय लिख दिया, गूगल बाबा ने बाय कर दिया। ओके, देन राहुल बजाज की बात कर लेते हैं, तो इनकी बात करते हैं, यह भाई अपने बजाज समूह, बजाज ग्रुप जो कि है उसके अध्यक्ष के लिए जाने जाते हैं। अजीम प्रेम जी की बात कर लेते हैं तो यह विप्रो के संस्थापक है, विप्रो के संस्थापक यहाँ पर है। ठीक है, विप्रो के क्या है भाई, यह संस्थापक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीआरडी टाटा। तो
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को एमसीसी मतलब कि लॉर्ड्स की मानद सदस्यता से सम्मानित नहीं किया गया था? यह आपको बताना, वो गूगल बाबा ने बाय कर दिया था बट एक्चुअली वह टाटा था। चले सो कितने समझदार हो गए हैं गूगल बाबा। चले यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिएगा, ये अपने ऑप्शन आपको दिए गए हैं है ना, तो जो कि इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है जिसे कि नहीं चुना गया है इसके लिए मानद सदस्यता के लिए बताएंगे। महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग या फिर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई हमारा, किसको यहाँ पर नहीं चुना गया है बताएंगे। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, एमसीसी की बात करते हैं तो यह क्या होता है, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यह होता है जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी को नहीं चुना गया है। सौरव गांगुली हुए और वीरेंद्र सहवाग हुए और सचिन तेंदुलकर हुए, तो इनको यहाँ पर चुना जा चुका है, ठीक है याद रखना। और एक चीज और याद रखना कि अंजुम चोपड़ा भारत की सबसे पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें की मानद सदस्यता एमसीसी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो कि मनाया जाता है वह किस तारीख को यहां पर मनाया जाता है? बिल्कुल अनटोल्ड स्टोरी, बिल्कुल सही, इनकी आत्मकथा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से बताएंगे। सुशासन दिवस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस डे की बात करते हैं, तो यह कब यहाँ पर मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आप बताएंगे कि यह 25 को ही क्यों मनाया जाता है, 25 को ही क्यों मनाया जाता है, चलिए बताएंगे। साथ ही इसकी शुरुआत की बात करते हैं, तो 2014 में यह सबसे पहली बार मनाया गया था, सबसे पहली बार यह मनाया गया था और यह 25 को ही क्यों मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए क्या 4 अक्टूबर भी किसी का आंसर आ रहा है भाई, 4 अक्टूबर नहीं है, इतना अन्याय मत किया कीजिए, 4 अक्टूबर को नहीं है। चलिए बिल्कुल सही, इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है ना। और आपको याद हो 2014 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। 2014 में दो लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, एक तो है अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक है मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं कि ICAR एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, ICAR का पूर्ण रूप क्या है बताएंगे। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अटल जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा बताइए जल्दी। दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है भारत में। आंसर कीजिएगा, मेरा तो इंस्टा अकाउंट बना हुआ ही है। चलिए बताएंगे क्या आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा, क्या हो जाएगा इंडियन काउंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है? आंसर कीजिएगा, चलिए बताएंगे क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। 2014 में मिला था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा क्वेश्चन में। चलिए ऐसा नहीं है, मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। चलिए सो बात कर लेते हैं, यदि हम कालिदास सम्मान की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल यह साहित्य में दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, यह नाटक में, साहित्य में, म्यूजिक में, इन सभी में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो मात्र सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं दिया जाता बल्कि यह 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान की 8th शेड्यूल में आ जाती है, मतलब कि 8वीं अनुसूची में भी यहाँ पर आ जाती हैं। व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं, व्यास सम्मान लास्ट 10 वर्षों में जो कि उनका पब्लिकेशन रहा है, जिस लेखक को यह मिलता है
उनके लास्ट उनके पास्ट 10 ईयर की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी जाती है, जिसके आधार पर उनका चुनाव किया जाता है। व्यास सम्मान इसकी बात कर लेते हैं, यह है सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में लिखने वाले जो कि साहित्यकार होते हैं उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो भाई इसकी शुरुआत कब हुई है, 1991 में इसकी शुरुआत हुई है और इसमें प्राइज के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं प्राइज के तौर पर। चलिए मुझे आप लोग मुझे ये बताइए कि लेटेस्ट व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, लेटेस्ट व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, और यह आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे होमवर्क में, ठीक है, कि किसको सम्मानित किया गया है। द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, बताएंगे पहले भारतीय भाई कौन है। यहां पर लेटेस्ट व्यास सम्मान किसको दिया गया है, यह आप लोगों को मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। साथ ही क्लास भाई 10 बजे शुरू होती है तो आप लोग 10 बजे आया करो, ठीक है, और इसके बाद जो अपनी 11 बजे वाली क्लास होती है ना, वह आज हमारी मैराथन क्लास में चल रही है जिसमें कि अभी पुलकित सर रीजनिंग करा रहे हैं और अब मैं 11 बजे से उसे ज्वाइन करूंगी तो फिर उसमें हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा क्लास को। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पंडित रविशंकर, और इन्हें सबसे ज्यादा बार जो कि 4 बार इन्हें ग्रामी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ग्रामी पुरस्कार है, जो कि ऑस्कर के समय में लॉस एंजलिस शहर में दिया जाता है। चलिए भाई आज की क्लास हम लोग यहां तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल, मतलब कल तो संडे है, नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। और मंडे को याद रखिएगा, मंडे को हम लोग बुक का टॉपिक करेंगे जिसमें कि मैं आप लोगों को टॉप 100 बुक्स के बारे में कराऊंगी और बुक वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ की डिमांड मत करना, नोट्स बनाना अपने आप से, ठीक है। वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग करेंगे बुक्स के बारे में 2021 से 2022। तो मंडे का सेशन 10 बजे से ज्वाइन कर लीजिएगा, देखिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक हम करने वाले हैं। बाकी भाई स्टैटिक जीके में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद होंगी और उतनी ज्यादा ही चीजें आपको क्लियर होंगी। तो मिलते हैं मंडे को, ख्याल रखिएगा अपना। बाकी जिन्होंने क्लास को भाई लाइक ना किया हो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, बस अभी 11 बजे वाली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत। कि शुरू होने वाला है एनटीपीसी सीबीटी 2 12 जून से, तो इसी 11 दिन की स्ट्रेटेजी के साथ विवेक सर ला रहे हैं अंतिम प्रहार। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो जरूर जुड़िए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल से।